तो ये है अपनी ऑल न्यू रेनॉल्ट काइगर का RX-Z वेरिएंट 2023 वाला न्यू वेरिएंट है। इसमें आपको क्या कुछ नए फीचर्स मिल जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें इसकी की से, तो यहाँ पर आपको इसमें कीलेस एंट्री मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ इस प्रकार से इसमें कीलेस एंट्री मिल जाती है, काफ़ी बड़ी आपको इसमें की मिलने वाली है। और बात करें यहाँ पर इसमें फ्रंट डिजाइन से, तो कुछ इस प्रकार से आपको इसमें मिलने वाली है LED DRL, और साथ ही यहाँ पर आपको इसमें हेलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेटर मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको काफ़ी बढ़िया सी ट्राई हेडलाइट मिल जाती है। वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर ये इसका RX-Z वेरिएंट है, तो इसमें आपको काफ़ी कुछ बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें काफ़ी बढ़िया साइड में अलॉय व्हील मिल रहे हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो 195/60R16 16 इंच का यहाँ पर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको फेंडर के ऊपर RX-Z की ब्रांडिंग मिल जाती है। और एक और जो सबसे बढ़िया इसमें आपको फीचर मिल जाता है इसके की में, वो है कि जैसे आप इसके पास में आते हैं कार के, ये ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाती है, और जैसे आप इससे दूर जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। ये काफ़ी अच्छा आपको इसमें फीचर मिल जाता है सेफ्टी वाला। बाकी यहाँ पर आपको इसमें ORM के ऊपर ही इंडिकेटर मिल रहे हैं, और यहाँ पर ये आपको ब्लैकआउट मिल रहा है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी साइड से कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है अपनी ऑल न्यू काइगर का RX-Z वेरिएंट। ऊपर आपको रूफ रेल देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पर आपको B पिलर और C पिलर ब्लैकआउट मिल रहे हैं, और डोर हैंडल आपको इसमें ग्लॉसी ब्लैक मिल जाते हैं। इंटीरियर की बाद में करेंगे, पहले आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको इसमें साइड क्लैडिंग मिल रही है, और यहाँ पर आपको इसमें काफ़ी बढ़िया सा 205mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सब कॉम्पैक्ट SUV हैं जिसमें कि आपको काफ़ी बढ़िया से इसमें पीछे ड्रम ब्रेक मिल रहे हैं इसमें, और आगे आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। बाकी कुछ इस प्रकार से आपको इसमें टायर प्रोफाइल मिलने वाली है। चारों तरफ आपको इसमें क्लैडिंग देखने को मिल जाती है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है, और SUV में आपको क्लैडिंग देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर बात करें रियर से, कुछ इस प्रकार से आपको इसमें रियर डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। आपको इसमें स्पॉइलर मिल रहा है, यहाँ पर हाई स्टॉप लैंप यहाँ पर मिल रहा है, और साथ ही ऊपर आपको इसमें शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। पीछे आपको इसमें वाइपर वॉशर और डिफोर मिल रहे हैं इसके विंडशील्ड के ऊपर, और कुछ इस प्रकार से आपको इसमें काइगर मिल रहा है। रिवर्स कैमरा यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है इसके लोगों के बीच में ही, और रेनॉल्ट की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर वेरिएंट की आपको ब्रांडिंग पीछे देखने को नहीं मिलती है, केवल आपको साइड में मिल रही है वेरिएंट की ब्रांडिंग, और पीछे आपको इसमें काफ़ी बढ़िया से LED टेल लैंप मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको इसमें रिवर्स लैंप मिल रहा है, और ये हैलोजन बल्ब के साथ में इसमें इंडिकेटर मिल रहा है इसके पीछे वाला। बाकी यहाँ पर आपको इसमें पीछे 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और रिफ्लेक्टर मिल रहे हैं इसमें कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको इसमें स्किड पैड भी मिल जाती है सिल्वर कलर के साथ में। चलते हैं इसके इंटीरियर में, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें रियर सीट की बात कर ले, तो रियर में कुछ इतनी डोर ओपनिंग आपको इसमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको इसमें पावर विंडोज के कंट्रोल मिल रहे हैं, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और साथ ही यहाँ पर आपको ये जो है डोर हैंडल अंदर वाले ये भी आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने को मिल जाते हैं, और कुछ इस प्रकार से इसके पीछे वाला आपको डोर मिल रहा है। यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है इसमें, ट्विटर मिल रहा है यहाँ पर। और बात करें सीटिंग की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया सी सीट मिलने वाली है इसमें, एडजस्टेबल 2 हेड रेस्ट मिलने वाले हैं इसमें, और साथ ही आपको इसमें पीछे पार्सल ट्रे भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इसमें बीच में आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है जिसमें आपको कप होल्डर वगैरह देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर ये फोन वगैरह रखने की जगह देखने को मिल रही है। चलते हैं इसके इंटीरियर में, तो यहाँ पर आपको इसमें पीछे काफ़ी बढ़िया सा स्पेस मिलने वाला है, लेगरूम वगैरह आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिलेगा, और साथ ही पीछे आपको इसमें रियर AC वेंट मिल रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको इसमें बीच में रूफ लैंप भी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आपको ये हैलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिल जाती है। दोनों साइड में आपको ये हैंडल मिल रहे हैं पीछे पैसेंजर के लिए। बाकी यहाँ पर आपको इसमें दोनों डोर के ऊपर स्पीकर और ट्विटर मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको इसमें मैप पॉकेट मिल रही है दोनों सीट के पीछे। बाकी यहाँ पर स्पेस आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, पीछे पार्सल ट्रे आपको इसमें मिल जाती है, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं इसमें। बात करें इसके ड्राइवर डोर की, तो यहाँ पर आपको इसमें काफ़ी बढ़िया से फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले चाबी रख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करें ड्राइवर डोर की, तो यहाँ पर आपको इसमें ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल मिल रहे हैं। यहाँ पर ORM आपको इसमें एडजस्टेबल और फोल्डेबल देखने को मिल जाते हैं, ये अंदर से ही इलेक्ट्रिकली है। यहाँ पर आपको इसमें स्पीकर मिल रहा है, यहाँ पर आपको इसमें स्पेस मिल रहा है बोतल वगैरह रखने के लिए। चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए सीट आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर आपको सीट इसमें हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर आप इसे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ये यहाँ पर इसकी फुल हाइट एडजस्ट है। बाकी चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पर आपको इसमें काफ़ी बढ़िया सा डोर मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी बढ़िया सा स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। ग्लॉसी ब्लैक का काफ़ी यूज़ किया है इसमें कार में, जो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है आपको इसमें फुली डिजिटल। AC वेंट के सराउंड में आपको काफ़ी बढ़िया सी ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बात करें इसके
इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इसमें आपको काफ़ी बढ़िया सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है। इसमें जो ग्लव बॉक्स है वो आपको काफ़ी बढ़िया से मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसमें स्पेस की कोई कमी नहीं रहने वाली है। यहाँ पर आपको इसमें ग्लव बॉक्स एक ये मिल रहा है और यहाँ पर एक ये मिल रहा है। काफ़ी बड़ा स्पेस है, इसमें आपको काफ़ी बढ़िया सा स्पेस मिलने वाला है। अगर आपको कोई भी सामान वगैरह रखना है तो आप इसमें रख सकते हैं। बाकी इधर आप बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें स्पीकर मिल रहा है और यहाँ पर इसमें पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल रहे हैं। यहाँ पर बात करें तो ये इसमें आपको हैंडरेस्ट मिल रहा है, और साथ ही बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप तो इसमें आपको ये काफ़ी बढ़िया सा स्पेस मिल जाता है इसके अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर भी स्पेस मिल रहा है। बाकी इसके जो ये सराउंड में है, यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया सी ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ये हैंड ब्रेक के ऊपर क्रोम की टिप देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको इसमें काफ़ी बढ़िया सा 5 स्पीड का गियरबॉक्स देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको मोड भी देखने को मिल जाते हैं। ये इसका RX-Z वेरियंट है, जिसमें कि आपको इको स्पोर्ट्स और नॉर्मल मोड देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको इसमें इंजन पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी देखने को मिल रहा है। केलेस एंट्री आती है इसमें। यहाँ पर आपको इसमें USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको इसमें AC वेंट वगैरह देखने को मिल रहे हैं। डे नाइट IRVM देखने को मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ऊपर आपको इसमें रूफ लैंप देखने को मिल जाती है, और बात करें यहाँ पर आपको कोई भी मिरर वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके जो स्पीकर हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इसके कॉल वगैरह अटेंड करने के लिए। बाकी यहाँ पर बात करें इस साइड तो यहाँ पर आपको इसमें वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको इसमें हैंडल देखने को मिल रहा है कोपेशन साइड में। बाकी बात करें तो स्पेस की कोई कमी नहीं देखने को मिलती है आपको इसमें। काफ़ी बढ़िया सा आपको इसमें इंजन मिलने वाला है 3 सिलेंडर का। बाकी यही कुछ था आज के इस वीडियो में रेनॉल्ट काइगर के RX-Z वेरियंट के बारे में। प्राइस वगैरह सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जरूर चेकआउट करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।